फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी और फूड्स एंड फ्लेवर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पोंडा वड़ा। ये आलू पोंडा का ही एक वेरिएशन है, पर इसको बनाना बहुत आसान है और मुझे ये आलू पोंडा से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आइए बनाते हैं आलू पोंडा वड़ा। आलू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये लहसुन और मिर्च की चटनी बनाएंगे, जो इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। इसके लिए हम यहाँ पर 8 से 10 सूखी खड़ी लाल मिर्च लेंगे। इनको तोड़कर मैंने बीजे निकाल दिए थे और गर्म पानी में करीब 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे 7 से 8 कली लहसुन, 1/4 टीस्पून चीनी, नींबू का रस और नमक। हम मिक्सी के जार में सबसे पहले यह लाल मिर्च डालेंगे। इसका थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, जिससे कि इसको पीसने में आसानी होगी। मैंने यह लाल मिर्च के सारे बीजे निकाल दिए हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़े से बीजे रख सकते हैं। इसमें डालेंगे लहसुन, चीनी, नींबू का रस। इसमें मैंने करीब 1 टीस्पून नींबू का रस मिलाया है। स्वाद अनुसार नमक, और अब हम इसको महीन पीस लेंगे। ये देखिए, ये कितनी बढ़िया चटनी पीसकर तैयार है। आप इसको फ्रिज में 8x डब्बे में 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और आइए देखते हैं कि वड़ों को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे 3 आलू, जिनको मैंने उबाल कर छील लिया है। हमें चाहिए होगा 1/2 कप बेसन, 1/4 कप कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून सूजी या रवा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून महीन कटी हरी धनिया और 8 से 10 महीन कटे करी पत्ते, 1/2 टीस्पून खड़ा धनिया और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, जिसको कि मैंने घिस लिया था, या फिर आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहिए होगा थोड़ा सा नमक और तलने के लिए तेल। तो आइए सबसे पहले हम मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए मैं एक खल्लड़ लूँगी और इसमें धनिया और ज़ीरा दरदरा पीस लूँगी। आप हल्का सा इसको दरदरा ही पीसें और फ्रेश पीसें, जिससे वड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास खड़ा धनिया नहीं है तो आप पिसा धनिया भी डाल सकते हैं। ये पिसकर तैयार है, हम इसे अलग रखेंगे। और अब हम ये आलू लेंगे और इनको हाथों से मैश कर लेंगे। आप इन आलूओं को ग्रेट ना करें, इसको हाथ से ही तोड़ें और उसमें थोड़े से आलू के पीसेस रहने दें। यह आलू मैश हो गया है और देखें कि मैंने इसको एकदम महीन नहीं किया है, इन आलूओं में थोड़े थोड़े पीसेस छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें यह पिसा हुआ मसाला डालेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे जिंजर गार्लिक, हरा धनिया और करी पत्ते, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, सूजी, प्याज, नमक और करीब 2 बड़े चम्मच भरकर बेसन। और अब हम इनको अच्छे से मिलाएंगे। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, और अगर आपको मिक्सचर पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला लें। मैंने यहाँ क्रिस्पनेस के लिए इसमें सूजी डाली है, अगर आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मिक्सचर तैयार है। अगर आप इसको इस तरह से हाथों में लेंगे तो आप इसके बॉल्स बना पाएँ। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब करीब 1/2 घंटा हो चुका है, मिक्सचर थोड़ा सेट हो गया है। अब हम इसकी पैटीज़ बनाएंगे। इसके लिए हम अपने हाथों को थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे और इसको रोल करेंगे और इसको हल्के हाथ से दबाकर वड़े का शेप देंगे और इसे चारों तरफ से स्मूथ कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कोई भी अलग तरह का शेप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, या फिर इस तरह का वड़े का शेप भी दे सकते हैं। तो अब ये तैयार है, आइए इसको डीप फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। हम वड़ों को तेल में डालेंगे और कुछ देर तक सिकने देंगे। अब ये हल्के सिक चुके हैं, हम इनको पलट देंगे जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक सकें। हम इसको कई बार पलट कर सेकेंगे जब तक कि ये क्रिस्प ना हो जाए। ये वड़े खाने में काफ़ी तीखे और मज़ेदार होते हैं। आप चाहें तो इनको वड़ा पाव जैसे पाव में लगा कर भी सर्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये कितने क्रिस्प हो गए हैं, हम इनको निकाल लेंगे। तो आप इनको गर्मा गर्म मेरी बताई हुई तीखी लहसुन और मिर्च की चटनी के साथ सर्व करें। तो जब भी आपका कुछ स्पाइसी खाने का मन हो, या शाम को कोई इवनिंग स्नैक्स बनाने का मन हो, तो आप इन आलू वड़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगे।
अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।